हेलो एंड वेलकम टू ग्रैड स्कूल, दिस इज़ किरण। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा वी विल आल्सो डिस्कस लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में से क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते, तो हम एक ब्रीफ डिस्कशन लेंगे उस पर। हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो फूड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जो वाटर है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ लेके रखिए, सो दैट यू कुड नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड डू सब्सक्राइब ग्रैड स्कूल। और अगर अभी तक आपने मेरी दूसरी वीडियोस नहीं देखी, तो आपकी स्क्रीन पे जो आई बॉल है आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको मेरी बाकी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। लिम्फेटिक सिस्टम को हम एंड में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होती कैसे है। तो ये आपको एक ही डायग्राम में मैं सारी प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगी, जो भी रिटन मटेरियल है वो आप स्लाइड से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको पहले तो कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, रूट प्रेशर क्या है, और सिंक किसको बोलते हैं और सोर्स किसको बोलते हैं। तो जो वेस्कुलर बंडल है वो रहते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसलोकेट करना। अब मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रही हूँ ट्रांसलोकेट, क्यों, क्योंकि जो भी फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड बना लीव्स में, वो जो है बाकी पार्ट्स तक जाएगा थ्रू द विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप वर्ड ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करोगे। अब जो है जाइलम के और फ्लोएम के चार चार एलिमेंट हैं, आगे आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा। वाटर की ट्रांसपोर्ट में जो दो एलिमेंट हेल्प करते हैं जाइलम के, वो होते हैं ट्रैकीट्स एंड वेसल्स। ये हैं ट्रैकीट्स, जिसके एंड्स जो हैं ये टेपरिंग होते हैं, ठीक है। इनमें जो है पिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू जो है थोड़ी बहुत ही वाटर की मूवमेंट रहती है, ये लिविंग रहते हैं। दूसरा है हमारा वेसल्स। वेसल्स जो हैं इनके एंड्स ओपन होते हैं, ये नॉन लिविंग एलिमेंट है, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं होता। जो सेल वॉल है इसमें लिग्निन की डिपोजिशन होती है, दैट्स व्हाई ये डेड भी हैं और ये हार्ड भी हैं। लेकिन इनकी सेल वॉल की कुछ प्लेसेस पे जो है वो लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होती, तो ऐसे प्लेसेस को हम बोल देते हैं पिट्स, ठीक है। तो ये जो है ये एंड टू एंड जो है ज्वाइन होते हैं, ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं जाइलम वेसल्स एंड ट्रकीज, और ये ज्वाइन करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसकी हेल्प से जो है वाटर मूव करता है। अब वाटर की जो है सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम फ्लोएम की। फ्लोएम में क्या होता है, वेसल्स सॉरी कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब, ये दो एलिमेंट जो हैं ये फूड की ट्रांसलोकेशन करेंगे। कंपेनियन सेल नाम से ही पता चलता है, कंपेनियन का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, साथी। तो कंपेनियन सेल में जो है न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, लेकिन सीव ट्यूब में ना तो न्यूक्लियस है ना तो साइटोप्लाज्म है। तो कंपेनियन सेल जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स को देते हैं। ये भी एंड टू एंड प्लेस होते हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब जो फूड की मूवमेंट है ये अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि एनर्जी नीड कहाँ है, नया पत्ता कहाँ पे खिल रहा है, नया फूल कहाँ खिलेगा, नई बड कहाँ बनी। तो जहाँ पे भी न्यू पार्ट्स बन रहे होंगे वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और उसी डायरेक्शन में फिर फूड की मूवमेंट होगी। अब ये फूड की मूवमेंट होती कैसे है, डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस जो है ये सफिशियंट नहीं है पानी की मूवमेंट के लिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर में क्या है, रूट्स तक पानी आएगा, मिट्टी से पानी आएगा रूट्स तक। अब पता है कि मिट्टी में पानी ज़्यादा है, रूट्स में कम है, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, इसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर, क्योंकि रूट्स अपनी तरफ पानी खींचेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, पहले तो ये लिख लो कि ट्रांसपिरेशन क्या है। स्टोमेटा से जो भी पानी लूज होता है दिन के टाइम, दैट लूजिंग ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा बाय द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब जब पानी लूज होगा तो पानी की कमी होगी लीव्स में, एक प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट होगा, तो जो क्या होगा कि नीचे से पानी ऊपर को खींचा जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है।
अब जो लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि सोर्स क्या है और सिंक क्या है। लीव्स में फूड बनता है, तो लीव्स में फूड जो है वो ज़्यादा होगा, सो लीव्स हमारे क्या हो गए, सोर्स हो गए। सिंक क्या है, जहाँ फूड की रिक्वायरमेंट है। मानो कहीं पे एक नई बर्ड बनी है, उसको फूड चाहिए क्योंकि उसने एनर्जी लेनी है, तो फूड सोर्स से सिंक की तरफ जाएगा, मतलब लीव्स से उस बर्ड की तरफ जाएगा। होप ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस होती कैसे है। तो जो रूट्स हैं, रूट्स के ऊपर कुछ हल्के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स जो मिट्टी में पानी है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो मिट्टी में पानी ज़्यादा है, आयंस कम है, और रूट्स में पानी कम है, आयंस ज़्यादा हैं, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया रूट्स में और जो आसपास पानी है सॉइल में। हमें पता है वाटर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो रूट हेयर्स में पानी जाएगा और यहाँ पे क्रिएट होगा रूट प्रेशर। अब रूट हेयर से पानी गया रूट्स के अंदर, जहाँ प्रेजेंट है जाइलम वेसल्स। अब डायरेक्ट तो वेसल्स तक पहुँचा नहीं, क्योंकि रूट्स में सेल हैं, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बाद हमें मिलते हैं वेस्कुलर बंडल्स। तो रूट्स में पानी रूट्स में रूट हेयर से रूट में गया पानी, ऑस्मोसिस होगी, सेल टू सेल पानी मूव करेगा। पहले एपिडर्मिस में जाएगा, फिर रूट कॉर्टेक्स में जाएगा, फिर एंडोडर्मिस में जाएगा, फाइनली वो पहुंच जाएगा जाइलम वेसल्स तक। जाइलम वेसल इसको स्टेम में पहुंचा देगी। स्टेम में प्रेजेंट है जाइलम वेसल अगेन, क्योंकि जाइलम वेसल हर पार्ट में प्रेजेंट है, तो स्टेम में चला जाएगा पानी। अब स्टेम से भी ऊपर जाने के लिए ग्रेविटी को ओवरकम करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे काम आएगा हमारा ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, ट्रांसपीरेशन पुल, क्योंकि दिन के टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं, पानी लूज होगा, प्रेशर जनरेट होगा। अब पत्तों में पानी की कमी होगी, एक सक्शन क्रिएट होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक पेप्सी की बोतल में स्ट्रॉ डालो और जब आप उस स्ट्रॉ की हेल्प से, उस पाइप की हेल्प से पेप्सी को पीते हो, तो जैसे उस स्ट्रॉ में पेप्सी ऊपर जाती है, बिल्कुल वैसे ही जो पानी है वो रूट से अपर पार्ट तक जाता है प्लांट्स के। ठीक है, तो अब जो ट्रांसपीरेशन की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, उसकी वजह से एक सक्शन क्रिएट होगी जो कि पानी को ऊपर की तरफ खींचेगी अगेंस्ट द ग्रेविटी, और जो पानी है वो डिफरेंट पार्ट तक पहुँच जाएगा। सिमिलर वे से जो फूड है वो ट्रांसलोकेट होता है। फूड बनता है लीव्स में, ठीक है, लीव्स में जो फ्लोएम एलिमेंट हैं, लीव्स में भी हैं, स्टेम में भी हैं, रूट्स में भी हैं, वो फ्लोएम एलिमेंट्स के आगे दो सब एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, पहले बता चुकी हूँ। वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जो है फूड जाएगा, फूड जो है लीव से उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में चला जाएगा। फूड के साथ साथ पानी भी आएगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अब जो फ्लोइम है, फ्लोइम में फूड भी आ गया, वाटर भी आ गया, अब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। हाई प्रेशर हो गया उस एरिया में जहाँ पे फूड भी है, वाटर भी है, और लो प्रेशर कहाँ है? जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, प्लांट के अपर पार्ट पे एक छोटी सी बड उग रही है, तो बड को चाहिए फूड एनर्जी के लिए, तो अब जो है लो प्रेशर उस बड वाले एरिया में होगा, तो जो फूड है वो कहाँ की तरह कहाँ मूव करेगा? अपवर्ड, उस बड को फूड पहुँचाना है। तो दैट इज़ हाउ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल जो हैं वो फूड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ये नीचे भी आ सकता है, अगर वो बड नीचे ग्रो करेगी तो जो फूड है वो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट जो हैं उसको नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो ये जो दो प्रेशर डिफरेंसेस हैं, रूट प्रेशर, ट्रांसपीरेशन पूल, ये दोनों जो है इस तरीके से एक्ट करते हैं, और जो पानी है और फूड है ये ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेट होता रहता है। अब जो है इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो मैंने ट्रांसपीरेशन आपको बताई, ये ट्रांसपीरेशन का फ़ायदा क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है? पहली तो है कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। कभी देखना आप, प्लांट के नीचे जो है ठंडक महसूस होती है गर्मियों में, दैट्स वाई पीपल प्रेफर टू सिट अंडर द शेडी एरिया, क्योंकि ट्रांसपीरेशन हो रही होती है और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो
बाकी की जगह के टेम्परेचर से थोड़ा लो रहता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम ट्रांसपीरेशन क्या करेगी, ट्रांसपीरेशन पुल जनरेट करेगी, जिसकी वजह से जो पानी है वो प्लांट के लोअर पार्ट से अपर पार्ट की तरफ जाएगा। ट्रांसलोकेशन मैं बता चुकी हूँ आपको, ये भी बता दिया कि जो फूड की मूवमेंट है ये बाई डायरेक्शनल है, वाटर की मूवमेंट है ये जो यूनिडायरेक्शनल है। तो अब हम बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ में से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी या फिर इसके आपको फंक्शन पूछ लिए जाएंगे। तो जो लिम्फ है ये लिम्फैटिक सिस्टम का एक पार्ट है। लिम्फैटिक सिस्टम चार चीज़ों से बना होता है। लिम्फ कैपिलरीज जो ज्वाइन करके एक लार्ज लिम्फ वेसल बना देती हैं, उस लिम्फ वेसल के रेगुलर इंटरवल पे कुछ स्वोलन एरियाज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। उस लिम्फ नोड्स में WBCs बनते हैं। WBCs भी आगे बहुत सारे टाइप्स के हैं। यहाँ पे आपको लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये दो टाइप्स देखने को मिलेंगे। इन दोनों टाइप्स का काम है डिफेंस प्रोवाइड करना बॉडी को, मतलब बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करते हैं ये दोनों सेल्स। अब इस पूरे सिस्टम में, इन लिम्फ वेसल्स में जो है एक फ्लूड बहता है जिसे बोलते हैं लिम्फ। ये लाइट येलो कलर का होता है, इसमें वाटर भी होगा, इसमें कुछ सॉलिड कंपोनेंट्स भी होंगे। सॉलिड कंपोनेंट्स में प्रोटीन्स आ गए, तीन तरह की प्रोटीन होगी, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। ये ऑस्मोटिक, ये प्रोटीन्स का काम है एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करके रखना। ग्लोब्यूलिन की एग्जांपल जैसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन ले लो जो कि बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे, जो भी फैट इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुई है वो सारी फैट कहाँ जाएगी, लिम्फ में जाएगी और लिम्फ की हेल्प से ब्लड में जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि यूरिया, केरेटिनिन, क्लोराइड हो गया या इनऑर्गेनिक आयंस हो गए। अब इसका फंक्शन क्या है, एक तो है कि ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन उन पार्ट्स तक लेके जाता है जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच सकता। जो भी इंटरसेलुलर स्पेसेस में अगर मान लो फ्लूड एक्सेस में चला गया, एक्सेस में फूड लीक हो गया इंटरसेलुलर स्पेसेस में, वो तो ओडीमा कर देगा, स्वेलिंग कर देगा। तो ऐसा ना हो, वो एक्सेस फूड लिम्फ की हेल्प से दोबारा से ब्लड में चला जाता है। अब लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स बने थे लिम्फ में, ठीक है, उनका काम क्या है, बॉडी को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करना। लास्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, जो भी बॉडी में बैक्टीरियाज हैं उनको ये रिमूव करता है, ठीक है। सो दैट इज़ सफिशियंट फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको समझ में आया होगा। डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ग्रैड स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।